सभी डीलर साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, स्पेशली 2019 बैच वालों के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पहला उनका जो सवाल है कि क्या हमारा जो नवम्बर माह में एग्जाम करवाया जा रहा है, क्या हम भी उसमें परीक्षा देंगे। दूसरा सवाल कि अगर हम प्रमोट प्रथम सेमेस्टर में किए गए हैं, तो अगर हमारा सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, और बाय द वे कभी ऐसा ना हो लेकिन कभी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक आ जाता है, तो क्या प्रथम सेमेस्टर में भी बैक आ जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को सेकंड सेमेस्टर के ही आधार पर प्रथम सेमेस्टर में नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए आपके जो भी डाउट्स है, इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं किस तरीके से क्या पूरा करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और पूरा डेट शीट भी इसी वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स थे कि आप 2019 बैच के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाइए, क्या किस तरीके से पेपर कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को, जितने भी 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी पीएनपी, जो कि प्रयागराज में स्थित है। और परीक्षा कार्यक्रम यानी बीटीसी बैच 2013, सेवारत मृतक आश्रित एवं 2014 बैच, 2015 बैच और डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं डीएलएड बैच 2018 और शेष और अनुत्तीर्ण डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020 का विवरण यहाँ पर दिया गया है। यानी जो भी जिनका भी पेपर बैक लगा है, वो भी द्वितीय सेमेस्टर में पेपर दे सकते हैं। और जो 2019 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने 2019 ईयर में अपना एडमिशन लिया था और अभी 2020 चल रहा है, वो भी अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 नवंबर से। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहला जो आपका पेपर रहेगा, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि ये 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और यहाँ पर आप सभी की जो टाइमिंग रहेगी वो 10 से 12 बजे, क्योंकि जो 50 नंबर के पेपर होते हैं उसमें आप सभी को 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को इसकी तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वर्तमान भारतीय में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो फैक्ट है, इसको आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। बात करते हैं, जो द्वितीय पेपर होगा वो उसी दिन 5 नवंबर को ही होगा, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट रहेगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, ये भी 50 नंबर का होता है, जिसमें से आप सभी को 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और जो टाइमिंग रहेगा 2 बजे से और 4 बजे तक, यानी 12 बजे आपका पहला पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 घंटे का आपका इंटर्न मतलब आपको थोड़ा रेस्ट या कह सकते हो थोड़ा टाइमिंग दी जाएगी, उसके बाद से फिर 2 बजे से स्टार्ट होगा, ये भी 2 घंटे का पेपर होता है, तो इस तरीके से पूरा 4 बजे तक होगा, फिर आप घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस तरीके से एक दिन में 2 पेपर होगा, क्लियर। फिर देखिए 6 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, 6 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें तृतीय प्रश्न पत्र यानी जो आपका होता है वो होता है साइंस। इसमें आपको देखिए 6 नवंबर को 3 पेपर देने होंगे, जो 25-25 नंबर के होते हैं, और आप सभी को जो टाइमिंग हर एक पेपर के लिए 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है। और देखिए जो विज्ञान आपका तीसरा पेपर है, ये 6 नवंबर को होगा और 10 से 11 बजे तक सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका चतुर्थ जो पेपर है वो है गणित, ये भी 25 नंबर का होता है और जो टाइमिंग रहेगी 12 से 1 बजे तक। उसके बाद देखिए पंचम प्रश्न पत्र, ये देखिए 50 नंबर का होता है गाइस, 50 नंबर का होता है और ये 2 बजे से 4 बजे तक। और सामाजिक अध्ययन जो है, इसको बहुत ही अच्छे से आप सभी को पढ़ना होगा, क्योंकि ये फैक्ट है, हिस्ट्री है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि हम बीए में इस तरीके से 2-2, 3-3 पेज लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर यानी जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है। लेकिन गाइज इसमें क्या होता है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपने जो कुछ भी लिखा है उस पे ध्यान जाता ही जाता है, इसलिए आप एक ही लाइन लिखो लेकिन सटीक लिखिए, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला हो, जो क्वेश्चन पूछे पूछे क्यों कहां, तो आप उसे एक ही आप कह सकते हो। आपका ये सवाल होता है कि कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और उसमें एक मतलब कि
केवल केवल स्थान पूछ दे या कब डेट पूछ दे, तो हम किस तरीके से इसके बारे में, केवल जब डेट पूछा है तो आप डेट लिखो, उसके बारे में ज्यादा लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नंबर का तो हम एक ही लिखेंगे दोनों, क्योंकि इसमें विस्तृत रूप से नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अगला, इस तरीके से आपका 3 दिन, 1 दिन में 3 पेपर होगा, ठीक है, 6 नवंबर को, यानी 6 नवंबर को आपको बहुत ही स्वस्थ रहना है। उसके बाद देखिए 7 नवंबर को 2 पेपर होगा, जिसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, ठीक है। हिंदी आप बहुत ही इजीली तरीके से कर लोगे, अंग्रेजी अंग्रेजी भी आप कर सकते हो, जिस तरीके से हिंदी रहता है उसी प्रकार से अंग्रेजी रहता है, सो आपको इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं कहती हूँ ना कि ग्रामर अगर आपका बेस्ट रहेगा ना, तो आप अंग्रेजी का पेपर उसमें 80% ला कर रहोगे। और उसके बाद देखिए अप्रोच पूछे जाते हैं, मेथड्स पूछे जाते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सो आपका इस तरीके से पूरा जो 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या अगर हमारा सेकंड सेमेस्टर में बैच जाता है तो क्या हमारा प्रथम सेमेस्टर में बैच जाएगा, तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स अच्छा आता है तो बहुत अच्छा, प्रथम सेमेस्टर में भी मार्क्स मिलेंगे। अगर सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स कम आएंगे तो उसी के आधार पर, यानी जिस तरीके से सेकंड सेमेस्टर रहेगा उसी के आधार पर फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप खुद एक बार सोचिए कि आप कितना ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं ताकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर साथ साथ चले। लेकिन पीएमपी को ये करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का यही कमेंट्स होता है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि गलत तो सबके साथ हुआ है, वो चाहे 2018 बैच के प्रशिक्षु या फिर 2019 बैच के, क्योंकि 2019 बैच ने प्रथम सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से की थी और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी नहीं की थी। अब 1 महीने का टाइम है, अब किस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सो मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, और भी अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो, हम उस पे आप सभी को वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। जो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।